राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। गौरतलब है कि सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला व प्रखंड स्तर पर शिलान्यास, उद्घाटन, वितरण, स्वीकृति आदि का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार उपस्थित BDO CEO से 29 दिसम्बर निर्धारित कार्यक्रम पर उनके द्वारा अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रखंड स्तर पर प्रखंड व अंचल कार्यालय का उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, प्रधानमंत्री आवास योजना व अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों का गृह प्रवेश, सामुदायिक शौचालय, दीदी बाड़ी योजना, पेंशन की ऑन द स्पॉट स्वीकृति, पारिवारिक हित लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, सोयल हेल्थ कार्ड का वितरण, वोटर कार्ड का वितरण, राजमिस्त्री को प्रशस्त पत्र का वितरण, कंबल का वितरण, खेल के मैदान का अनावरण, तहसील कचहरी का उद्घाटन, GM लैंड के लाभुकों का पट्टा वितरण, मनरेगा अंतर्गत लाभुकों का जॉब कार्ड का वितरण, पर आवास योजना अंतर्गत लाभुकों का गृह प्रवेश, बकरी सेट, दिव्यांगों जनों को दिव्यांग उपकरण का वितरण, बिरहोर जनजाति को आवास 14 वित्त से, सड़कों पर पेवर्स ब्लॉक का बिछाव, स्वास्थ्य उप केंद्र साइकिल का वितरण व कृषि विभाग द्वारा चयनित लाभुकों को कृषि हेतु पंप सेट का वितरण आदि कार्यक्रमों की स्वीकृति उद्घाटन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला के चयनित 60 लाभुकों को मुख्य कार्यक्रम स्थल रांची भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को ही हजारीबाग के नए समाहरणालय और बड़ही काड़ा का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। हजारीबाग से संप्रिया वशिष्ठ की रिपोर्ट। कुछ जो है क्रेडिट लिंकेज के कुछ हमारे बेनिफिशियरीज होंगे
जिनको जेएसएलपीएस वगैरह या सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उनको क्रेडिट लिंकेज बैंक के थ्रू करना होगा। तो एलडीएम होगा हमारा, एलडीएम और जेएसएलपीएस का डीपीएम, उनके कोऑर्डिनेशन से हम लोग ऐसे लाभुकों का या ऐसे एसएचजी ग्रुप्स का भी हम लोग चयन करेंगे जिनको हम लोग क्रेडिट लिंकेज करके उनके व्यापार को हम लोग बढ़ाएंगे। तो उनकी भी डिटेल लिस्ट तैयार की जा रही है, जो डिटेल लिस्ट रेडी हो जाएगा उसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर हमारे जिला के उनसे उनका अप्रूवल लेकर फिर उसको हम लोग स्टेट भेज देंगे। ये आज से लेकर कल तक लगभग कितने की योजनाएं हैं? अभी तो पूरा आकलन नहीं हो पाया है, यार ये आकलन आज शाम तक हो पाएगा, लेकिन जो मैंने 40-45 योजनाएं देखी हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनका राज्य से चलाना था, उसके लगभग 130 करोड़ की लगभग वो योजनाएं होती हैं जिनका मैंने अभी आकलन कराया है इनिशियली, लेकिन ये अभी इनिशियल आकलन है, इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है। खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। चलकुसा जीप उपाध्यक्ष चंदन देवी के द्वारा कंबल वितरण किया गया। चलकुसा प्रखंड मुख्यालय में जीप उपाध्यक्ष चंदन देवी ने चलकुसा प्रखंड के विभिन्न गांवों के जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। मौके पर चंदन देवी ने कहा कि किसी भी गरीब असहाय की ठंड और कनकनी से बीमार या मौत ना हो, इसके लिए मेरा लक्ष्य है कि गरीबों तक कंबल पहुँचाना। साथ ही आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। मौके पर मुख्य रूप से प्रमुख प्रतिनिधि केदार यादव, युवा नेता आलोक सिंह, मुख्य प्रतिनिधि दशरथ यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुखदेव यादव, लखन यादव, असार अंसारी, विक्रम सिंह इत्यादि लोग उपस्थित थे। चलकुसा से मुन्ना यादव की खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। बरकट्टा पुलिस ने चलाया दोपहिया वाहन जांच अभियान। हजारीबाग जिला के बरकट्टा में वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देशानुसार बरकट्टा थाना प्रभारी विद्यासागर चौरसिया के नेतृत्व में दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान दोपहिया वाहनों के चालकों से कागजर, ट्रिपल लोड, बिना हेलमेट एवं मास्क नहीं पहनने वाले सैकड़ों वाहनों की जाँच की गई। 150 वाहनों की जाँच की गई, जिसमें से लगभग 25-30 दोपहिया वाहन का चालान काटा गया। शेष लोगों को सख्त चेतावनी के बाद छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वाहन के साथ कागजात व हेलमेट साथ लेकर चलें। उन्होंने कहा कि वाहन जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों को उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच अभियान में एएसआई तरुण कुमार महतो, एएसआई लिल्लो यादव, एएसआई बादल कुमार महतो, एएसआई अजित कुमार पांडे, हवलदार रामजी यादव आदि सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बरकट्टा से ईश्वर यादव की रिपोर्ट। लगभग 150 वाहनों की चेकिंग की गई है, जिसमें अलग अलग जो सरकारी रियायत दर था उस पर जुर्माना किया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार थाना गेट से, बरकट्टा थाना गेट पे 12-3 वाहन चेकिंग की गई, जिसमें सैकड़ों गाड़ियों की चेकिंग की गई, जिसमें उचित दर से जो भी जुर्माना था जुर्माना किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा।
राज्य सरकार के प्रथम वर्षगांठ को लेकर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर जिला व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। गौरतलब है कि सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर जिला व प्रखंड स्तर पर शिलान्यास, उद्घाटन, वितरण, स्वीकृति आदि का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने प्रखंडवार उपस्थित BDO CEO से 29 दिसम्बर निर्धारित कार्यक्रम पर उनके द्वारा अब तक की तैयारियों का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रखंड स्तर पर प्रखंड व अंचल कार्यालय का उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन, प्रधानमंत्री आवास योजना व अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों का गृह प्रवेश, सामुदायिक शौचालय, दीदी बाड़ी योजना, पेंशन की ऑन द स्पॉट स्वीकृति, पारिवारिक हित लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, सोयल हेल्थ कार्ड का वितरण, वोटर कार्ड का वितरण, राजमिस्त्री को प्रशस्त पत्र का वितरण, कंबल का वितरण, खेल के मैदान का अनावरण, तहसील कचहरी का उद्घाटन, GM लैंड के लाभुकों का पट्टा वितरण, मनरेगा अंतर्गत लाभुकों का जॉब कार्ड का वितरण, वृद्ध आवास योजना अंतर्गत लाभुकों का गृह प्रवेश, बकरी सेट दिव्यांगों जनों को दिव्यांग उपकरण का वितरण, बिरहोर जनजाति को आवास 14 वित्त से, सड़कों पर पेवर्स ब्लॉक का बिछाव, स्वास्थ्य उपकेंद्र साइकिल का वितरण व कृषि विभाग द्वारा चयनित लाभुकों को कृषि हेतु पंप सेट का वितरण आदि कार्यक्रमों की स्वीकृति उद्घाटन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला के चयनित 60 लाभुकों को मुख्य कार्यक्रम स्थल रांची भेजा जाएगा। आपको बता दें कि 29 दिसंबर को ही हजारीबाग के नए समाहरणालय और बड़ही काड़ा का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा। हजारीबाग से संप्रिया वशिष्ठ की रिपोर्ट।